के साथ। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ अपना रियर टायर चेंज करवाने, जो काफी ज्यादा घिस गया है, जिससे हम लॉन्ग टूर नहीं मार सकते, जो कि मैं सोच रहा हूँ एक लॉन्ग टूर मारने के लिए। तो आज मैं सोच रहा हूँ पहले उस रियर टायर को चेंज कर। जा रहा आगे 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 पाजी कहूँगे आगे लगा लेता हूँ।
तो भाई साहब टायर के लिए ले लेते ऊपर। तो पाजी से पूछ लेते इसका ओरिजिनल टायर मिल जाएगा देखना। इसका ओरिजिनल 110 आता दिया। हाँ 100 लगा रखा। नहीं नहीं ओरिजिनल ही है। ओरिजिनल ही है। अगर इससे बेटर मतलब ये वाला काफी टाइम तक चल गया, 5 साल तक चल गया ये वाला। तो आपसे लगवाया था मिस्त्री का तो तुम चलता ही है। हाँ ताकि आगे वजन नहीं पड़ता पीछे। हाँ पीछे का ही है। तो अब देख लो कि कौन सा लगाना। मेरे को तो सेम ही तो सेम चलाइए या 110 इससे में और चाहिए। ये वाला कितने का पड़ रहा है अपने को? ये पड़ता भैया 1700। कहाँ दिखाना एक बार? अजी 180 1700 1700 ना MRF। हाँ जी 1700 का। और इससे बेटर वाला कौन सा भैया? मिसलेन का तो पीछे भी लगा रखा है पर उसमें मेरे को थोड़ा बहुत ना ऐसा लगता है कि स्लाइड कर रही है बाइक। हाँ मैं भी शायद ये तो आगे खत्म। ये वाला भी भैया से ही लगवाया था मिसलेन का। आपके हिसाब से कौन सा बेटर रहेगा मिसलेन का ही? एक्चुअली देखो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना केदारनाथ निकलना है सैटरडे। अब मेरे को ये कि आगे वाला ऐसा रहे कि कोई ये तो खत्म इसमें तो जा नहीं सकते हम लोग। अभी डलवाया था पीछे थोड़ा महंगा है भैया। 21 होगा डाल दो फिर मिसलिन। ये गोप्रो गोप्रो अंकल कैमरा व्लॉगिंग वगैरह मोटर व्लॉगिंग करते हैं भैया का तो साधन नॉलेज भैया के पास तो काफी आते हैं। जैसे फ्रंट व्यू पूरा जैसे आप चला रहे हैं। हाँ तो वो गोप्रो हाँ पूरा व्यू दिखाता है। हाँ यूट्यूब वाले के ज्यादा हमारा भी तो रहता है। हाँ ये आप पाजी के बहुत सारे मैं भी देख के ही आया था। लो भाई टायर तो निकल गया फटाफट से, बाकी देख लेंगे कैसा क्या रहता है। अंकल यहाँ पे कैसा रहता है क्योंकि पीछे का भी मेरा मिसलेन है। मैंने इस पर वीडियो बना के डाली हुई है भाई। मिसलेन स्ट्रीट फाइटर 2 है और आगे भी मिसलेन डलेगा तो अजब ही गजब हो जाएगा। ये लो भाई आ गया टायर। ये मिसलेन का 100 है ये भी? आप 110 कह रहे थे ना 110 होगा। अच्छा तो 110 वाला कौन सा बोल रहे थे आप? सेम आएगा। अच्छा और वो चौड़ा वाला तो चौड़ा वाला लगा देते। 110 कितने का भाई? 110 में 25 20 वो फाइनल ये 100 ठीक है भैया। ठीक है कोई दिक्कत चलो लगा दो ये लगा दो। हाँ तो फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो 110 ही सेम साइज का ही लो। हाँ एयर का प्रेशर पूरा हो जाएगा। अच्छा चलेगा फिर उतनी प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा अच्छा
हाँ भाई स्किट ना करे तो चला हुआ है। हाँ वो तो पूरा खत्म ही हो गया अपना रिस्क नहीं लेके जाना जाता पहले मैंने इसलिए पीछे का चेंज करवाया था आगे का ज्यादा रिस्की है पीछे का बंदा फिर कंट्रोल कर रहा है ब्रेक मार देगा आगे तो फिर वो रपट ही जाए जोर से ब्रेक मार दो उछल के सही बात है नहीं सही बात है और रिस्क लेके कभी नहीं जाना चाहिए वैसे तो पैनिक होना नहीं चाहिए हाँ ये भी बात सही है और पहाड़ में बारिश हो रही हो बिल्कुल स्लो एंड स्टेडी बिल्कुल 20-25 स्पीड बहुत होती है जितनी आपके कंट्रोल में हो कंट्रोल में हो और पहाड़ का एक ही असूल है कि अपनी साइड में चलो हाँ जैसे जैसे पहाड़ मुड़ रहा है वो तो अपनी साइड में रहो हाँ ये तो बात है एक्चुअली पहाड़ों के राइडर कई लोग ना पहाड़ में जा रहे हैं आगे से जाएंगे हां वो सामने जा रहा खड़ा गया था नीचे गया चलो भाई ये तो हो गया फिट थैंक यू भैया चलो भाई अपना काम तो हो गया अब चलते एक बार हॉर्न का भी चेक कर लेते हैं हॉर्न कितने का पड़ रहा है अपने को हॉर्न भी देख लेते हैं जाके तो भाई एक बार हॉर्न का भी पता कर लेता हूँ हॉर्न का भी पूछ ही लेता हूँ यहाँ पे आएगा ना हॉर्न